ओम शांति। आज बाबा के 29 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, जैसे बाबा प्यार का सागर है, बाबा जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को भी दुख मत दो, किसी को भी नाराज मत करो। कर्म फिलॉसफी समझाते हुए बाबा ने कहा कि अगर आप किसी को दुख देते हैं तो वो दुख की अनुभूति फिर आपको भी होगी, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। अच्छे अच्छे ख्यालात रखने हैं कि अभी हम ज्ञान रत्नों से झोलियाँ भर रहे हैं, फिर हमारी खानियाँ भरपूर हो जाएंगी, हम अच्छे महल बनाएंगे, हम सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, ये सत्यनारायण की कथा है। अच्छे अच्छे ख्यालात होंगे तो खुशी सदा बनी रहेगी। इस समय सब बच्चे बाबा को याद करते हैं, इसे याद की यात्रा कहते हैं। जितना प्यार से याद करेंगे उतना ही बाबा स्वीट लगेगा। बाबा बहुत स्वीट है, बहुत मीठा, बहुत प्यारा है। बाबा ने कहा, इस समय तुम बच्चे बाबा को जानते हो, बाबा जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। बाकी तो सब मार देते हैं, ठुकरा देते हैं, लेकिन उस बाप को आपने इस समय जाना है जो प्यार का सागर है। बाबा कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ बिरले कोई मुझे जानते हैं। अच्छा बताओ बाबा कितना बड़ा है। बाबा ने कहा, मैं तो बिंदी रूप हूँ, तुम्हें बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद करना है, लेकिन वो ज्योति बिंदु होते हुए भी ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, भक्ति में, क्योंकि बड़े बड़े चित्र देखते थे, उन्हें याद करते थे। अब बिंदी समझ, बिंदी बाप को याद करना, इसमें मेहनत है, लेकिन इसी से विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पावन बनेगी। बहुत उमंग होना चाहिए कि हम ईश्वरीय सेवा करें, सत्य बाप का परिचय दें। ये बाबा की श्रीमत है। जैसे मधुमक्खियाँ जाती हैं, आगे उनकी रानी होती है, ऐसे ही बाबा ने कहा, भ्रमरी भी भू भू करके आप समान बनाती है, ब्रह्मा कुमारी भी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। कोई कोई कहते हैं बाबा मकान बनाए, तो बाबा कहते हैं अपने घर में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, घर में एक कमरा बाबा के लिए पाठशाला खोल दो, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलो। लेकिन साथ साथ शुद्धता का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि जो हमने सेंटर खोला वहाँ पर तो अच्छा ज्ञान योग का वातावरण हो और हम अपने घर में अशुद्ध चीज़ें खाते रहें, मीट आदि खाते रहें। बाबा कहते उससे फिर पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। पुण्य आत्मा इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखेगी कि घर का वातावरण पूरा ही शुद्ध होना चाहिए, सरल शब्दों में कि हमें अशुद्ध चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, भोजन शुद्ध स्वीकार करना है। याद का महत्व बताते बाबा ने कहा, इस समय अगर तुम बच्चे याद नहीं करेंगे तो माया आपको हरा देगी। माया को भी पहचानना है, नहीं तो साक्षात्कार होगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने क्यों नहीं पुरुषार्थ किया। इस समय अपने आप को दुख और धोखे से बचाना है। ऐसे दुख और धोखे से बचाने वाला ही ज्ञानी है, समझदार है। समर्थ संकल्पों की रचना करनी है, व्यर्थ संकल्पों की रचना कमजोर बनाती है। कोई भी कर्म से पहले सफलता का मंत्र है, सोच समझ कर कर्म करो, आदि मध्यंत बुद्धि में रख के फिर कर्म करो। तो ऐसे संकल्पों की रचना पर भी बहुत अटेंशन देना है। बाबा के जैसा प्यार सागर बन, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। चलते फिरते आज ये अभ्यास करना है, मैं बाप समान मास्टर प्यार का सागर हूँ। यदि कोई मुझसे नाराज है तो आज उसको शुभ भावनाएं देकर नाराजगी से राजयुक्त वाला ज्ञान योग की समझ वाला शुभ भावनाएं देकर बाबा की तरह से उनको भी बाबा का बच्चा देखेंगे, नाराजगी को समाप्त कर देंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो।
किसी को भी रंज मत करो, नाराज मत करो। जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज मत करो। क्वेश्चन है, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानी आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहाँ सत्युग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरी बात, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। इस समय हम अमर कथा सुनते और सुनाते हैं, ऐसे से ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं, ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है, बाबा ने जो सिखाई है याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ हम साथ जानते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। अंडरलाइन करेंगे इस बात को, जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। मीठी स्क्रीन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। बहुत सुंदर बात बाबा पूछ रहे हैं कि अपने आप से पूछो हमारा बाबा कितना बड़ा है। कहते बिंदी है और तो कोई जानते ही नहीं, बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते भक्ति मार्ग में बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें। भक्ति में बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए, उनकी पूजा की, अब बिंदी को कैसे याद करें। बिंदी बिंदी को याद करेगी ना, आत्मा जानती हम बिंदी हैं, हमारा बाबा भी बिंदी है। हम आत्मा ज्योति स्वरूप हैं, एकाग्र करने के लिए बाबा का स्वरूप बिंदु रूप है, आत्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। बहुत सुंदर बात बाबा पक्की करा रहे हैं कि बाबा ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पार्ट बजाती है। बाबा है सबसे स्वीट, सब याद करते हैं। बाबा सबसे स्वीट, सबसे मीठा है, सब याद करते हैं। पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ, अब तुम बच्चों को निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। हम जिसे बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, महिमा कितनी भारी है। भले महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं कि वो कैसे आके सुख देते हैं। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं, कौन कौन कितना श्रीमत पे चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते, सत्युग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। ये तो बिल्कुल छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते, जानते नहीं ये बाकी कितना समय होंगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। जानते हो टूटे कि टूटे, तुम्हें बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते। तुम अपने घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, मकान भी बना रहे हैं तो बाबा कहते हैं उसमें एक ऐसा रूम बनाओ जो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी का कार्य करे, आने वाली आत्माओं का इलाज भी हो, हर रोज़ वो पढ़ाई भी पढ़े, बिगर कोई खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है, बिना कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना। इस नॉलेज से ये भी समझाया, तुम्हें सुख बहुत मिलता, जब तमो प्रधान बने तब जास्ते दुख होता।
जितना जितना तमोप्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। तमोप्रधान बनने से दुख अशांति बढ़ती जाएगी, मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। आपने जो विनाश देखा है दिव्य दृष्टि से, ब्रह्मा बाबा ने देखा, बाबा ने कहा वो प्रैक्टिकल में होना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया था, छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, बाबा जब आते हैं हमें स्वर्ग का वर्षा देते, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाबा बैठ ये सब बातें समझाते, वो थोड़ा ही जानते, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते मैं हूँ दाता, मैं तुम्हें देने आया हूँ। मनुष्य कहते पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बाबा कहते पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए। तुम्हारी बुद्धि में अब आया, आगे थोड़ा ही समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे, तुम विश्व के मालिक थे, फिर ज़रूर बनेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाबा ने समझाया 5 वर्ष पहले मैं आया था, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 21 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। मैंने तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता, वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते, वह भी तो गाते हैं पतित पावनाओ, गंगा स्नान करने जाते। वास्तव में ये भक्ति है गृहस्थियों के लिए। बाबा समझाते, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। बाबा समझाते तुम मुझे बुलाते हो हे पतित पावनाओ, मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं कि हम पे कृपा करो। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ, बाकी ऐसे नहीं कहना कि बाबा हम पे कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ, क्या तुम कृपा आदि मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ, बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है। ये भी किसी को पता नहीं कि बाबा बिंदु है, किसी को पता नहीं है कि बाबा ज्योति बिंदु है। अब तुमको बाबा ने बताया, सब कहते हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल, तो परम पिता परमात्मा सुप्रीम है, बाकी सब आत्माएं हैं। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं? तुम अब जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता तब से आयु शुरू होती। श्री कृष्ण जी पूरे 84 जन्म लेते हैं, गर्भ से बाहर आए उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो ये 30-35 वर्ष 5-4 वर्ष से कम करना पड़े। शिव बाबा को तो गिनती नहीं कर सकते, शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते, शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे, ये नोदा भक्ति कोई ने नहीं की, घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते थे, वह तो कितनी नोदा भक्ति करते हैं। तो बाबा सम्मुख समझाते, बाबा दूर देश से आए हैं, ये बच्चे जानते, इसमें प्रवेश कर हमें पढ़ाते हैं। बहुत दूर देश परम धाम से बाबा आए हैं, ब्रह्मा तन से हमें पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है, याद रहे तो खुशी का पारा चढ़े और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, इस समय श्री कृष्ण वाली आत्मा में फुल ज्ञान है। ध्यान से समझेंगे, ब्रह्मा और श्री कृष्ण जी ये वही सोल है जो सत्ययुग में श्री कृष्ण थे और लास्ट बर्थ में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में। संगम पर जब शिव बाबा ने ज्ञान दिया तो आत्मा ज्ञान से भरपूर है, फिर सत्ययुग की दुनिया में आकर राज्य करेंगे, वहाँ तो ये ज्ञान नहीं होगा,
बाबा आकर समझाते हैं, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते कि ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते श्री कृष्ण जी पीपल के पत्ते पर आए, ये किया, ये बातें हैं समझने की। कहते नदी में पांव डाला तो वो नीचे चली गई। विचार करो ऐसी ऐसी बातें समझने योग्य हैं। कितनी पावरफुल सोल है श्री कृष्ण जी वाली आत्मा, जिनके लिए यादगार है कि वो पीपल के पत्ते पर आए। प्योरिटी का सिंबल है ये। बाबा कहते दिखाते हैं लेकिन इसका अर्थ अब समझना है। बाबा कहते बाप जो बातें समझाते हैं उन्हें ध्यान से समझना है। जो कुछ पहले सुनते आए पढ़ते आए वो सब भूल जाओ, देह को भी भूल जाओ। सभी बातों का अर्थ समझना है, मोरल समझना है, इम्पॉर्टेंट बात समझनी है, सार समझना है। देह को भी भूल जाना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। बाबा कहते छीछी वस्त्र है, आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, काम चिता पर बैठने से काले बन गए। अब बाबा ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो ये खाद निकल जाएगी। आत्मा में जो भी खाद है विकारों की वो निकल जाएगी, आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, सत्युग में तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है यहाँ हीरों का देखो कितना मान है, वहाँ तो पत्थरों मिसल होते हैं। अब तुम बाबा से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियाँ भर कर ले आते। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियाँ ही भरतू हो जाती। तुमने साक्षात्कार किया, माया मच्छर का खेल भी दिखाते। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, ले जाता हूँ। नीचे आया कुछ था नहीं, वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे से ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा का परिचय देना, कोई भी मिले उसे सत्य बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5 वर्ष पहले भी आया था, ये किसी को पता नहीं। जानते हो 5 वर्ष पहले आकर तुम्हें राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुम्हें सिखाएंगे। आज भी बाबा ने हमें योग सिखाया जिसे राजयोग कहते हैं। निज को आत्मा समझ मुझे याद करो, कल्प कल्प बाबा ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वो फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दे। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता, वो है जिस्मानी तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुम्हें अमर कथा सुनाई, अमर बना रहे हैं। अमर कथा सुनाकर बाबा हमें अमर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोग खत्म होना है। शिव बाबा कहते मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती तो कोई आवाज थोड़े ही होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता तो आवाज कितना होता। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं, आगे आके मधुमक्खियों की रानी, पीछे सभी मधुमक्खियां होती हैं। उनके आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का मिसाल यहाँ का है, तुम मनुष्य से देवता बनाते हो, ज्ञान की भू भू करते हो, थोड़ा थोड़ा सुनाते रहते हो। तो भ्रमरी का भी यहाँ का यादगार है, पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हो। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वो जो बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। जो सेवा करेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे औरों को पढ़ाएंगे तो वो स्वर्ग के नवाब बनेंगे। राजा बनना अच्छा या नौकर बनना अच्छा, पिछाड़ी के समय तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे। लास्ट में सब साक्षात्कार होगा, हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे हम श्रीमत पे क्यों नहीं चले। जब साक्षात्कार होगा तो पश्चाताप होगा कि हमने क्यों नहीं पढ़ाई की, क्यों नहीं पुरुषार्थ किया,
बाबा कहते फॉलो फादर, ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते, वह पुण्य आत्मा और वो पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होना चाहिए। कोई कोई अपने घर में एक सेंटर के लिए स्थान दे देते हैं गीता पाठशाला के लिए, और खुद अपना खान पान शुद्ध नहीं रखते हैं, तो बाबा कहते वो एक तरफ पुण्य आत्मा है और एक तरफ देखो तो अशुद्ध खान पान, तो ये तो ठीक नहीं लगता। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए। सिर्फ आशीर्वाद पे नहीं ठहरना, बाबा को याद करना है, पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए, कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना ही विकर्म विनाश होंगे, बाबा को जितना याद करेंगे उतना ही विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता, उसे कहते हैं प्यार का सागर। बाबा जितना प्यार कोई भी नहीं कर सकता, उन्हें कहते प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसी को दुख दिया, नाराज किया, तो रंज होकर मरेंगे। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते, समझाते हैं सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है, बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली बात है किसी भी उल्टे सुलटे बात पे विश्वास नहीं करना। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान से समझेंगे, बाबा वही बातें बताएंगे जो हम भूल गए थे। तो भगवान उवाच जो परम सत्य है, वो हमें सत्य बातें समझाते हैं, उन्हीं को समझना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सिर्फ आशीर्वाद पे नहीं चलना, स्वयं को पवित्र बनाना है, बाबा को हर कदम पे फॉलो करना है, किसी को दुख नहीं देना, नाराज नहीं करना है। वरदान है हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्प की सिद्धि तब प्राप्त होती है, कब होती है? संकल्प की सिद्धि तब प्राप्त होती है जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे, अर्थात शक्तिशाली संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए जितनी ज़्यादा रचना होती है उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता पाने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्यंत को जानकर फिर कर्म करो। कर्म करने से पहले आदि मध्यंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है, समझदार है। दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है, समझदार है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर प्यार का सागर हूं। जैसे बाबा प्यार के सागर हैं, सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे मुझे भी मास्टर प्यार सागर बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख देकर सुख की अनुभूति में रहना है। महसूस करें
प्यार के सागर का प्यार निरंतर मुझ पे बरस रहा है। मुझे भी बाबा जैसा प्यार का सागर बनना है। यदि कोई नाराज है, आज उस आत्मा को भी शुभ भावनाएं देकर नाराजगी से मुक्त करें। जो राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। मैंने राज को जाना, और स्वयं से एक वायदा, सबको सुख देना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही है।